दिख रहा है। और स्वागत है फिर से आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी इस समय हम लोग हैं बैस्ता जो है बहरवा का पेट्रोल पंप है, यहीं से जो है आज का जो ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐसा पेट्रोल लेने आए थे, हम लोग जो है पथरा बाजार साइड से आए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा जो है पेट्रोल अभी ख़त्म हो गया है। तो हम लोग अभी चलेंगे आगे बांसी, वहाँ पे पेट्रोल लेंगे। और अभी हम लोग चल रहे हैं ऐसा राप्ती नदी में, कितना सारा पानी वगैरह आया है, तो इसको कितना सारा बाढ़ वगैरह बांसी में कितना है, तो इसी का ब्लॉग हम लोग शूट करने के लिए वहाँ पर चल रहे हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। बाकी आज जो है दो लोग न्यू पर्सन आए हैं हमारे साथ में। ये है लल्लू, क्या नाम है तुम्हारा? सुंदरम उपाध्याय। और ये कृष्णा यादव। तो आज का ब्लॉग जो है हम लोग जो है तीन लोग हैं, और वहाँ पे चलेंगे आप लोग को दिखाएंगे, है ना भाई? दिखाएंगे ना? हाँ दिखाएंगे आज आपको राप्ती नदी। क्या क्या दिखाओगे आप? राप्ती नदी बांसी का दिखाएंगे हम। हाँ हम लोग आ गए हैं बांसी पेट्रोल पंप पे, और ये है बांसी का पेट्रोल पंप, और ये है मशीन, और इधर से हम लोग जो है पेट्रोल वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह ले लिया, और ये देखिए तीन जन है हम लोग। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे, और ये देखिए पूरा बांसी शहर है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारा क्राउड होता है, हमें देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप लोग। तो जो है आगे चल रहे हैं, जस्ट दो मिनट लगेगा हम लोग पहुँच जाएंगे राप्ती नदी पे फाइनली। और ये है पूरा राजेंद्र नगर करके एरो बनाया है, हम लोग को जाना होगा। तो ऐसे जो है एरो बनाया है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, हम लोग जा सकते हैं। बाकी अभी जब जनवरी में यहाँ पे मेला लगेगा, तो उस समय का भी हम लोग ब्लॉग यहाँ पे शूट करेंगे। इस बार पिछले बार हम लोग शूट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम लोग ज़रूर शूट करने का कोशिश करेंगे यहाँ पर आके। और ये देखिए ऐसा जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैरिज हॉल भी यहाँ पे बना हुआ, दिखा दो लल्लू इधर है। ये है एसके मैरिज हॉल करके है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला है, और दिखा ये है एसके मैरिज हॉल, इधर शादियाँ वगैरह कराते हैं लोग। तो फाइनली हम लोग जो है पहुँच चुके हैं बांसी के राप्ती नदी के पुल पे, ऐसा देखिए। और ये नदी है ना, तो हम लोग जो है कल आए थे तो यहाँ जो इसका बहाव था थोड़ा कम, लेकिन आज जो है और तेज़ी से यहाँ पे जो है बहाव में नदी में देखने को मिल रहा है। आप लोग को चल रहे हैं उधर दिखाएंगे भाई। और ये है अपने पीछे देखिए राप्ती नदी, और यहाँ ऐसे जो है हम लोग का कल आए थे तो थोड़ा यहाँ पे कम था, लेकिन आज जो है और ज़्यादा हो रहा है। तो दिखाते हैं, ये देखिए इधर से हम लोग आते हैं बांसी से, तो जैसे आप लोग आओगे तो ये देखिए ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, सब नदी में डूब चुके हैं। और ये है पूरा राप्ती नदी, और आगे अभी हम लोग चल रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए बाकी ये चारों तरफ से राप्ती नदी का पुलिया, ऐसा देख सकते हो आप लोग। तो ये है राप्ती नदी अपनी, देख सकते हो यहाँ से। और आगे अभी हम लोग चल रहे हैं, और कल से ज़्यादा आज जो है पानी दिख रहा है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे जो है जिला मजिस्ट्रेट करके ये लोग भी आए हैं यहाँ पे, ऐसा निरीक्षण कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा ऐसे जो है जिला मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे आए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसा क्या है। और अपने योगी बाबा भी आए थे उधर शरावस्ती साइड में, तो ऐसा सभी लोग जो है अपने सिद्धार्थ नगर के जितने भी अधिकारी वगैरह हैं सब अलर्ट पे हैं, और इस समय अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि राप्ती नदी में काफ़ी तेज़ी से बाढ़ आ गया है, कहीं पे कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इस समय हम लोग को जो है अलर्ट रहना ज़रूरी है। और आगे हम लोग थोड़ा चल रहे हैं, और ये आप लोग देख सकते हो पूरा राप्ती नदी का पुलिया है, कितना सारा यहाँ पे क्राउड है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं ऐसा देखने के लिए। इधर भी दिखा दो भाई नदी, पानी देखिए कितना तेज से आ रहा है, और इसमें पानी कर दिखा दो भाई। और तो यहाँ पे ऐसा आप लोग देखोगे ना, तो ये यहाँ पे मिट्टी और ऐसा बोरे में भी मिट्टी भर के यहाँ पे रखा गया है, बालू वगैरह कि जिससे ये राप्ती नदी है। और ये हमारे पीछे आप लोग देखिए ये नरकटहा गाँव है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे ये बंदा है कटने का कोशिश करे तो लोग
इसको यहाँ पे जो है बांधते तुरंत, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा बालू और गिट्टी और ये मिट्टी सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, बांध पे चलते हैं, दिखाते हैं। ये ऐसा लोहे का है ऐसा, और इधर से हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए, और कितना सारा बोरी वगैरह रखा गया है। और इधर जो है ये अपने पीछे देखिए, ये राप्ती नदी है, आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए आज जो है और थोड़ा तेज़ इसमें तेज़ी आया है, आप लोग देख सकते हो। और ये है पूरा राप्ती नदी, और आगे चल के आप लोग को थोड़ा हम लोग दिखा देते हैं। तो ये सब देख सकते हो आप लोग। तो ये है पूरा नरकटहा ग्राम करके, और देखिए इसमें भी चारों तरफ आप लोग देखोगे ना तो पानी ही पानी हमें देखने को मिलेगा। ऐसा जो है राप्ती नदी का कहर ऐसा जो है पूरे सिद्धार्थ नगर में ढाया हुआ है। और चलते हैं अभी हम लोग आगे। तो इधर से हम लोगों ने देखा काफ़ी सारा इसमें जो है पानी वगैरह आया, बाकी अभी नदी के उस पार हम लोग चलेंगे और नदी के जो है बीच बीच में चलेंगे। ऐसा जो है बांसी राप्ती नदी में दो पुलिया बन गया, एक ओल्ड वाला और एक न्यू वाला, तो दो पुलिया बन गया, तो उसके बीच में चल के आप लोग को हम लोग दिखाएंगे। तो अभी आप लोग देखोगे ना तो हम लोग जो है उस वाले पुलिया पे थे, वो जो है न्यू वाला है, बाकी ये अपना जो है पुराना वाला है पुलिया। तो इससे हम लोग आगे चल रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग ऐसा जो है काफ़ी तेज़ी से पानी चल रहा है। और आगे अभी हम लोग चल के आप लोग को आगे दिखाते हैं, उधर गाँव में भी हम लोग चलेंगे।
तो अभी हम लोग जो है वहाँ पे थे और वो अपना पुन्नी वाला पुलिया है उसके ऊपर वहाँ पे थे, और ये अपने पीछे आप लोग देखोगे तो ये पुराना वाला पुलिया है। पहले जो है इसी रास्ते से जो है गाड़ियाँ आती जाती थी, लेकिन अभी जो है इसको ऐसा जो है न्यू पुलिया बना दिया गया है। तो यहाँ पे हैं तो अब अभी हम लोग जो है थोड़ा नीचे जा सकते हैं, नीचे चल के आप लोग को दिखा देते हैं। और ये हमारे पीछे देखिए एक मंदिर है, और इधर जो है ये बांसी माघ मेला लगता है तो उसका रोड है और यहीं पास में ही लगता है, तो वहाँ पे भी चलेंगे आप लोग को थोड़ा दिखा देंगे कि कितना वहाँ जो है बांसी माघ मेले में भी कितना पानी वगैरह भरा हुआ है, तो इसको भी आप लोग को दिखा देंगे हम लोग। बाकी ये अपने पीछे देखिए ये दोनों नदी का पुलिया है, इसके बीच में हम लोग थोड़ा अंदर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं आगे चल के। ये देखिए ऐसा जो है यहाँ तक आ गया ऐसा पानी, ऐसा देखिए यहाँ से लेके, और ये है नदी का पूरा दोनों पुलिया, और ये है ऐसा देखिए इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी ऊंचाई तक ये पानी आ गया ऐसा देख सकते हो आप लोग। और ज़्यादा अंदर हम लोग जाएंगे नहीं, अंदर जाना ऐसा सेफ नहीं है। बाकी यहाँ से आप लोग देखिए तो अभी हम लोग जो है और आगे चल रहे हैं, और ये है रानी मोह भक्त राधे लक्ष्मी स्नान घाट है, तो इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं और यहाँ से दिखाते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे थोड़ा हमें जो है ज़्यादा क्राउड देखने को मिला है, ये स्नान घाट है तो इसकी वजह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं काफ़ी सारे। और आगे जो है राप्ती नदी का पानी कितना है आप लोग को दिखाते हैं हम लोग आगे चल के। तो ये है घाट के नीचे हम लोग आए हैं, घाट के जहाँ से लोग स्नान वगैरह करते हैं यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो यहाँ से थोड़ा अच्छा दिख रहा है और पूरा पानी आप लोग देख सकते हो। ये ऐसा सीढ़ी है ना तो टॉप पे आ गए है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे, और इधर भी आप लोग को दिखाते हैं आगे चल के हम लोग। तो पहले हम लोग जो है एक दो बार यहाँ पे आए थे, तो हम लोग जो है वहाँ लगभग 50 मीटर तक जो है अंदर जा सकते थे, तो अभी इस समय आप लोग देखोगे ना तो थोड़ा भी आगे हम लोग नहीं जा सकते, और नदी का बहाव काफ़ी तेज़ी से आ रहा है इसमें। और लोग बता रहे हैं अगर ऐसे जो है ये राप्ती नदी में ऐसे जो है लगातार अगर 10 दिन तक पानी रह गया तो बोल रहे हैं लोग ये जो है बांसी में ज़रूर कट जाएगा कहीं ना कहीं करके। ये है यहाँ का ऐसा देख सकते हो, और ये इधर जो है पीछे हमारे एक छोटा सा नाव है, और इसमें जो है यहाँ के सुरक्षा के लिए ऐसा जो है स्टीमर वगैरह यहाँ पे रखना चाहिए, और अभी से जो है अलर्ट होना चाहिए क्योंकि इतना पानी जा रहा है ना कहीं पे अभी जो है कट सकता है ऐसा नदी। और दिखाते हैं आप लोग को थोड़ा और यहाँ का दृश्य। ये एक रोड गया है, रोड है या फिर बंदा है, तो अभी आप लोग को उधर भी हम लोग चलेंगे दिखाएँगे। ऐसा देख सकते हो पूरा यहाँ तक आ गया है, और रोड के उस पार जो है बांसी का माघ मेला लगता है, तो वहाँ तक उसमें भी पानी जो है भरा ही होगा। बाकी ऐसा देखिए आप लोग, और मेले के समय जो है इसमें ऐसा को एंजॉय कराने के लिए ऐसा जो है इसमें नाय वगैरह चलती थी। तो ये है यहाँ का कुछ दृश्य आप लोग देखोगे, और वो जो हमें पुलिया दिख रहा है उसका जो है फाइनल स्टेज सबसे ऊपर जो होता है वहाँ तक जो है पानी टॉप पे एकदम पहुँच गया है, ऐसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। पूरा घाट का दृश्य आप लोग देख सकते हो, और अपने सामने ये राप्ती नदी का पुलिया ऐसा देखिए। और हम लोग जो है अभी फोन से शूट कर रहे हैं ताकि इसमें जूमिंग वगैरह हो सके गोप्रो में ऐसा सिस्टम। देखिए ये बांसी माघ मेले का एंट्री गेट है, ऐसा इधर से हम लोग एंट्री करेंगे मेले के टाइम में ऐसा देखिए। बाकी यहाँ पे भी देखोगे आप लोग तो पूरा चारों तरफ से जो है ऐसा में पानी पानी देखने को मिलेगा पूरा, आप लोग देख सकते हो ऐसा यहीं पे जो है पूरा लगता है मेला। और अभी इस समय आप लोग देख सकते हो सारा जो है पूरा पानी पानी हमें देखने को मिलेगा। इधर जो है थोड़ा कम है, बाकी उस साइड हम लोग जाएंगे ना तो ऐसा जो है घरों में भी पानी देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पर ऐसा नॉर्मल है और फिर भी काफ़ी सारा है। और
मेले के टाइम तक हो सके जो है, शायद ऐसा जो है सूख वगैरह जाए। बाकी ये देखिए पूरा यहाँ का ऐसा व्यू है। तो ये देखिए इधर से हम लोग आएंगे ऐसा जो है सीधा स्ट्रेट ऐसे आएंगे, बाकी इधर से जैसे हम लोग एंट्री करेंगे यह है पूरा मेला जहाँ पर लगता है ऐसा देखिए, और पूरा भरा हुआ है। उधर से अभी हम लोग वहाँ से देखे थे, बाकी यहाँ से भी आप लोग को दिखाते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसा जो है पूरा भरा हुआ है, ये है पूरा बांसी मेले का स्थान, यहीं पे लगता है जो है मेला। बाकी अभी इस समय आप लोग देखोगे पूरा पानी से भरा हुआ है चारों तरफ। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और हम लोग जो है वहाँ से निकल के आ गए हैं यहाँ जो है अपने गांव साइड में। और आप लोगों ने कैसे देखा जो है बांसी का जो माघ मेला है, उधर भी पूरा पानी भरा है, और जो उधर घाट है उस पर भी जो ऐसा पानी भर गया। लोग बता रहे हैं अगर जो दो तीन दिन ऐसे जो है लगातार ये पानी रहा तो पूरा कट जाएगा, बांसी में पूरा पानी चला जाएगा, पूरा बांसी जो है डूब जाएगा, ऐसा जो है लोग बता रहे हैं। और हम लोगों ने भी देखा ऐसा जो है पूरा पुलिया है, तो उसका जो है फाइनल स्टेज जो होता है उस पर भी जो है ऐसा पानी वगैरह भर गया आ गया है ऊपर तक का। तो हम लोगों ने ऐसा प्रॉपर देखा, और दोनों पुलिया के बीच में भी हम लोग जाके वहाँ पर देखे कैसा क्या है, आप लोग को जो है हम लोग प्रॉपर दिखलाने का कोशिश किए। बाकी ये था जो है बांसी राप्ती नदी का अपडेट, और कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हैं। और आप लोग बता सकते हो अगर कहीं पे ऐसा जो है ज़्यादा पानी वगैरह आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग जो है वहाँ पर जाके ऐसा ब्लॉग वगैरह शूट करने का कोशिश करेंगे और आप लोग को दिखलाने का कोशिश करेंगे। बाकी इस समय जितना हो सके हम लोग जो है अपने सिद्धार्थ नगर का जो हेल्प करने का कोशिश करें, एक दूसरे का हेल्प करें, कहीं कोई फंसा हुआ है तो उसकी हेल्प करें हम लोग। बाकी इसको यहीं पे ऐड कर लेते हैं, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह जो है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और जहाँ पर रहिए सेफ रहिए।